हेलो दोस्तों, बॉस ऑफ इंडियन शेयर बाज़ार में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम एक ऐसे सेक्टर से रिलेटेड बातें करने वाले जिसका इन्वेस्टमेंट ऐसे मल्टीपल सेक्टर्स में है जो कि काफ़ी प्रॉफिटेबल है। और उनमें से किसी का IPO नेक्स्ट ईयर आने भी वाला है, एक जो जिस बिज़नेस में उनका इन्वेस्टमेंट है। तो इन्वेस्टमेंट की वजह से उनका जो बिज़नेस है काफ़ी अच्छा बिज़नेस है। तो उससे रिलेटेड हम बातें करने वाले हैं किस किस बिज़नेस में वो डील करता है, कितने परसेंट की होल्डिंग है, वो सब चीज़ के बारे में बातें करेंगे। बट बिफोर दैट मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप हमारे चैनल बॉस ऑफ इंडियन शेयर बाज़ार, जो कि आपको डेली बेसिस पे एक अच्छी वीडियोस अलग अलग शेयर्स पे लाता रहता हूँ मैं, तो आप इस वीडियो को, इस चैनल को शेयर करें, लाइक करें, इवन वीडियो को लास्ट तक देखें ताकि आपको पूरी एक फंडामेंटल एनालिसिस थोड़ी बहुत आपको पता चल जाए उस कंपनी का, थोड़ा बहुत उसके बारे में जानकारी मिल जाए। तो ये वीडियो की तरफ चलते हैं। तो मैं आपको सबसे पहले दिखाना चाहता हूँ कन इन्वेस्टमेंट करते क्या। देखिए थोड़ा सा कट रहा है। इंडस्ट्री जो है वो IT सॉफ्टवेयर में काम करती है, जो कि आजकल काफ़ी फेमस है, और जो काफ़ी भाग भी रहा है। मार्केट कैपिटल की बात की जाए तो लार्ज कैप कंपनी है, तो रिस्क कम हो जाता है। 44,636 करोड़ रुपीज़ का इसका मार्केट कैपिटल है। और इसका जो कम और इसके नेट सेल्स की बात की जाए तो देखिए यहाँ पर जून का जो क्वार्टर था, उसमें जो उनका प्रॉफिट एज वेल एज नेट सेल दोनों में ही गिरावट दिखी थी, और वो तो लाजमी था क्योंकि लॉकडाउन था, तो इस वजह से बिजनेस इम्पैक्टेड थे सारे के सारे। तो आपको मोस्टली सारी सेक्टर में गिरावट दिखी होगी। इंडस्ट्री का PE 28.37 है और इसका PE -347.21 पर है। तो ये तो हो गई बात इस कंपनी की अब बात कर लेते हैं कि ये कंपनी के बारे में मैं आपको और कुछ चीज़ें दिखाना चाहता हूँ। एक बार इसका प्रॉफिट का रेशियो दिखाना चाहता हूँ। तो देखिए वन डे और वन वीक इसे छोड़ दीजिए, वी आर द इन्वेस्टर ऑफ फॉर द लॉन्ग टर्म। हमारा जो नज़रिया है वो हमेशा लॉन्ग टर्म के लिए होना चाहिए। लॉन्ग टर्म में आप इतना पैसा कमा पाएंगे जो आप ट्रेडिंग से नहीं कमा सकते, एज वेल एज आप शॉर्ट टर्म में नहीं कमा सकते हैं। वी आर नॉट हेयर फॉर 5, 10, 20%, 50%। वी आर हेयर फॉर 100,000%, एंड मोर देन 1,000%, 10,000%। आपने देखा भी होगा मैंने इतने सारे शेयर से रिलेटेड वीडियो बनाई है, और मैंने आपको दिखाया है कि किस तरीके से कंपनी 80-80 हज़ार, 1-1 लाख% के रिटर्न देती है। कल का वीडियो मैंने बनाया था इन्फोसिस के ऊपर, कैसे 10,000 रुपये केवल 100 शेयर आपके लाखों के शेयर हो गए और कितने 11 करोड़ रुपए हो गए। तो इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ, लंबे टाइम का नज़रिया रखिए, ज़्यादा पैसे की जरूरत नहीं, थोड़े बहुत पैसे भी आप मार्केट में लेके आते हैं, अच्छे शेयर्स में इन्वेस्ट करते हैं, आपको बेहतरीन रिजल्ट मिलेगा। 10 ईयर्स के रिजल्ट देख लीजिए तो 819.50% की रिटर्न है। और मैं आपको अलग चीज़ दिखाऊंगा वो थोड़ी आगे चल के। इसका जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है देख लेते हैं, तो प्रमोटर्स ने थोड़ी सी हिस्सेदारी कम करी है 0.90% की, तो अभी भी 38.47% की हिस्सेदारी है। और सबसे ज़्यादा जो मेजोरिटी ऑफ शेयर्स है वो फॉरेन इन्वेस्टर्स के पास है, जिन्होंने अभी बढ़ाई भी है 1.5% से, 38.51% की हिस्सेदारी है। म्यूचुअल फंड ने बढ़ाई है 0.88% की, तो 12% की हिस्सेदारी म्यूचुअल फंड की है। इंश्योरेंस कंपनी ने बढ़ाई है 0.20, तो 1.919% की हिस्सेदारी इंश्योरेंस कंपनी की है। टोटल DIS एंड नॉन इंस्टीट्यूशन ने यहाँ पर अपनी हिस्सेदारी घटाई है। तो ये तो सारी की सारी हिस्सेदारी की बात हो गई। एक बार हम इसके बैलेंस शीट की तरफ चल रहे थे तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, रिजर्व्स देखिए पहले इस कंपनी के कितने बेहतरीन रिजर्व्स है। देखिए 1862, जो पहले से बढ़ के फिर 1985.86, फिर 2184.69, और अभी 2269.66 करोड़। आई एम टॉकिंग अबाउट द करोड़, करोड़ों की बातें कर रहा हूँ। तो 2270 कह सकते हैं करोड़ के रिजर्व इस कंपनी के पास है। और कंपनी की बात की जाए, बोरोइंग की, कर्ज की बात की जाए, तो वर्चुअली डेट फ्री कह सकते हैं हम। कितना कर्ज है तो देखिए, पॉइंट लॉन्ग टर्म बोरोइंग है 0.24, मतलब 24 लाख रुपए की लगभग यहाँ पर बोरिंग दिख रही है। और शॉर्ट टर्म बोरिंग देखिए कोई भी, लॉन्ग टर्म में केवल 24 लाख रुपए देने हैं, बाकी कोई बोरिंग नहीं है। तो डेट फ्री कंपनी एक बार कह सकते हैं, जब भी चाहेगी तभी दे देगी। इन्वेस्टमेंट की बात की जाए तो कंपनी का करंट इन्वेस्टमेंट लगभग 25.40 करोड़ रुपीज़ का, तो इनका केवल इन्वेस्टमेंट है। और कैश एंड इक्विवेलेंट की बात की जाए तो 427.49 करोड़ रुपीज़ का इनके पास कैश एंड बैंक बैलेंस है, जो कि कितने अच्छे तरीके से बढ़ा। जो लास्ट ईयर 105 था, 105 करोड़ रुपए था, वो अभी लगभग 400 4 गुना इनका, लगभग 3 गुना 4 गुना इनका बढ़ गया है। फोर परसेंट का इनका 4 गुना, मतलब कह सकते हैं कि 4 गुना इनका कैश एंड इक्विवेलेंट इस साल बढ़ा है 427.49 करोड़ रुपीज़ के। बहुत बेहतरीन इनके पास कैश इक्विवेलेंट है।
डिविडेंड की बात की जाए, कंपनी डिविडेंड देने के मामले में काफ़ी अच्छी है। इस साल अभी फरवरी में 8.35% का दिया था। ओके, एज वेल एज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 15% का, 20% का, 25% का डिविडेंड 2019, 19, 19 में 3 बार डिविडेंड यहाँ पर दिया है। तो डिविडेंड काफ़ी अच्छा कंपनी देती आ रही है। बोनस की बात की जाए तो 2 बार कंपनी ने बोनस भी दिया है, 2012 या 2010 में कंपनी ने बोनस भी दिया। स्प्लिट और राइट इशू अभी तक कंपनी ने लाया नहीं है। ओके, कंपनी को टाइम कुछ ज़्यादा हुआ नहीं है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं किस कंपनी के बारे में बात कर रहा हूँ। तो कंपनी का नाम है इन्फोइज, इन्फोइज इस कंपनी का नाम है। और किस में डील करती है पहले बताना चाहता हूँ। ये जो इन्फोइज कंपनी है, इसका दूसरा नाम भी है नौकरी.com। ओके, नौकरी किसके नाम से भी आप इसे सर्च करेंगे तो इन्फोइज का नाम आ जाएगा। वन डे का परफॉर्मेंस देखिए, ओके, कुछ खास आपको दिख नहीं रहा है। 5 डेज का देख लीजिए, गिरता हुआ दिखाई दे रहा है। 1 मंथ का देख लीजिए पॉजिटिव, 6 मंथ का देख लीजिए पॉजिटिव। ईयर टिल डेट हम देखेंगे, क्योंकि हमारा जब शेयर पेंडामिक था 3,000 के आसपास चल रहा था, पैंडमिक ये में शेयर कितना लगभग 1,681 रुपये के, 1,500 रुपये के आसपास ये शेयर आया था। अभी मैं आपको इसका 52 वी लॉग भी दिखाऊंगा। और उसके बाद जो इसने रिजल्ट दिए वो आपके सामने हैं। कितने परसेंट के रिटर्न? 105% के रिटर्न। ओके, अभी तक कंपनी ने पैंडमिक से 30 जो मार्च में जो पैंडमिक हुआ था, मार्केट गिरी थी सारी, उससे लेके अभी तक 105% के रिटर्न, मतलब आपका 6, 7, 8 महीने में पैसे डबल करके इस कंपनी ने दिए हैं। ओके, और मैं सीधे मैक्सिमम की तरफ चलते हैं। 2006 में 145.85 रुपीज़ का ये शेयर हुआ करता था, और आज इसका रिटर्न देख लीजिए, ओके, 3,500 के आसपास गया है। और अभी और भी कुछ चीज़ें दिखाना दिखाऊंगा मैं आपको, एक होल्ड कर लीजिए। तो देखिए यहाँ पर लगभग 2,200-2,300% के रिटर्न सीधे दिखाई दे रहे हैं, जिसमें 2 बार का बोनस भी इंक्लूड है जो आप देखेंगे। 2 बार का बोनस भी आप देख लेंगे, इंक्लूड कर देंगे, तो आपके पैसे कितने मल्टी बैगर हो गए तो आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं। 52 वीक लो और हाई की बात की जाए तो 1,580 में ये शेयर 52 लोग में मिल रहा था, और 3,749 रुपये का ये शेयर लगभग अभी अभी ये 52 वीक हाई पे गया था। तो बात बता देता हूँ एक बार, तो लगभग 3,703 रुपये का शेयर 29 सितंबर को था, जो कि लास्ट मंथ था। 1,581 रुपये इसका 23 मार्च को था। डिलीवरीज की बात की जाए तो लगभग 35% की डिलीवरीज इस कंपनी में अब उठाई दी गई है, अभी जब कल मार्केट बंद हुआ था। प्रमोटर्स शेयर होल्डिंग मैंने आपको दिखा दिया है, और ये भी बता दिया है कि आपको डिविडेंड किस तरीके से इसने दिया है। 3.5 रुपये का, 2.5 रुपये का, 2 रुपये का, ओके, 1.5 रुपये का, तीन तीन चार चार बार डिविडेंड देता आ रहा है। और कंपनी के प्रमोटर्स ने कोई भी हिस्सेदारी अपनी गिरवी नहीं रखी है। ये हो गई बात इस सब चीज़ की। ओके, पी रेशो मैंने आपको बताया था, इसमें पी रेशो 159.13 इसका है। अब बात कर लेते हैं कंपनी काम क्या करती है। आईटी सॉफ्टवेयर से मैंने दिखाया था, बट एक चीज़ और दिखाना चाहता हूँ यहाँ पर, आप देख लीजिए। आपने नौकरी.com का नाम सुना होगा, ओके, नौकरी के नाम से ये शेयर जाना भी जाता है। आपने जीवनसाथी.com का नाम सुना होगा, ओके, आपने 99acres.com का नाम सुना होगा, आपने यूनिकॉर्न का नाम सुना होगा, आपने जोमैटो का नाम सुना होगा, जिसमें इनकी हिस्सेदारी 25.13% की है, एज वेल एज आपने नाम सुना होगा पॉलिसी बाजार का, जिसमें हिस्सेदारी 19% की है। तो मेरा कहने का मतलब क्या है? मेरे कहने का मतलब सिंपल है। देखिए, पेंडेमिक हुआ है, लोगों की नौकरी आ गई है, ओके, तो सबसे ज़्यादा लोग सर्च क्या करते हैं? नौकरी। तो नौकरी सर्च करने के लिए रिज्यूम ही कहाँ डालते हैं? वो डालते हैं नौकरी.com पे। लॉकडाउन में लोग खाली है, दे आर सर्चिंग फॉर द ब्राइड एंड ब्राइडग्रूम, ओके, दुल्हन दुल्हन के लिए अपने लड़के लड़की को देख रहे हैं, तो उसके लिए वो कहाँ जाते हैं? जो वो जाते हैं जीवनसाथी.com। देखिए, ओके, 99acres में वो डिफरेंट डिफरेंट तरीके की प्रॉपर्टीज ढूंढ सकते हैं, यूनिकॉर्न एंड जोमेटो। ओके, आप मोस्टली खाना कहाँ से ऑर्डर करते हैं? जोमेटो, स्विगी, डिफरेंट डिफरेंट साइट से। सो जोमेटो आज आपको पता है कितनी डिलीवरीज इसने अभी लॉकडाउन में दी है, ओके, एंड पॉलिसी बाजार डॉट कॉम में आपको डिफरेंट डिफरेंट लोन्स और अदर अलग इंश्योरेंस काफ़ी स्कीम्स आपको मिल जाए। तो सारा का सेक्टर इन्होंने अपना जो सेक्टर्स है जिनका इनका इन्वेस्टमेंट है, सारा डाइवर्सिफाइड। देखिए, खाना पीना आ गया, ओके, जॉब के लिए आ गया, शादी से रिलेटेड आ गया, प्रॉपर्टी से ले, इंश्योरेंस से लेके आ गया, लोन से रिलेटेड आ गया, सारा मतलब अलग अलग सेक्टर्स में इन्होंने अपने आप को डाइवर्सिफाई कर रखा है, अलग अलग स्टेक्स ले रखे हैं, जो कि अगर एक भी डाउन चलता है, मान लीजिए पॉलिसी बाजार डाउन चल रहा है, जोमेटो ऊपर चल रहा है, यूनिकॉर्न डाउन चल रहा है, तो नौकरी, अभी नौकरी, जीवन साथी, तो ये चीज़ तो बड़ी रही है ना। अगर एक बिजनेस डाउन होता है तो दूसरा बिजनेस तो उनको बैलेंस करने के लिए लगता ही है। हमारा भी पोर्टफोलियो हमारा कैसा रहता है? अगर हमारे 4 शेयर डाउन है, अगर एक भी शेयर चल गया, तो वो 4 शेयर का जो हमारा लॉस होता है वो एक शेयर पूरा कर देता है,
ओके, और प्लस में एक शेयर भी अगर चल गया और लॉन्ग टर्म में हमें अच्छा खासा प्रॉफिट दे देता है, चार शेयर की हमें ज़रूरत ही नहीं है, एक शेयर इतना प्रॉफिट दे देता है कि चार शेयर का लॉस भी कवर हो जाता है एज वेल एज हम फायदे में रहते हैं। तो सारा कहने का मतलब यह है ये कंपनी का फ्यूचर बहुत अच्छा है। ओके, अलग अलग सेक्टर में ये काम करती है। और जोमेटो में देखिए 25.13% का स्टेक्स है। और बताना चाहता हूँ जोमेटो का अगली साल IPO आने वाला है, और जोमेटो काफ़ी पूरे इंडिया में बड़ा पॉपुलर है। तो बताना चाहता हूँ जैसे जोमेटो का IPO आएगा तो ये जो कंपनी है इन्फो एज, ये डेफिनेटली यहाँ पर नहीं रहने वाली, ये अलग ही लेवल पर पहुँच जाएगी। ओके, 105% के रिटर्न आप पेंडेमिक से देखे हैं। ओके, तो लास्ट नेक्स्ट ईयर ये कुछ अलग ही लेवल पर होगी, तो इसकी तरफ ध्यान दीजिएगा। सब चीज़ ये कंपनी दे रही है, डिविडेंड, बोनस, आगे चल के अलग अलग बोनस। और कंपनी को ज़्यादा टाइम हुआ नहीं है, 2006 में ये कंपनी आई है, तो इसकी तरफ नज़र बना के रख सकते हैं। आपको प्रॉफिट का बिजनेस डेफिनेटली दिखाई दे रहा है, चार्ट पैटर्न काफ़ी बेहतरीन है, बैलेंस शीट काफ़ी बेहतरीन है, डेट फ्री कंपनी है, और क्या चाहिए। सो अगर वीडियो लगा अच्छा लगा हो, अगर मेरे एफर्ट अच्छे लगे हो, तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर करिए और फैला दीजिए इस वीडियो को, ताकि हमारा चैनल नया नया चैनल है तो ग्रो करे। ओके, एज वेल एज मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा हमारे चैनल बॉस ऑफ इंडियन शेयर बाजार को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, बेल आइकन को हिट करिए, ताकि इस तरीके की बेहतरीन वीडियो शेयर बाजार से रिलेटेड आपकी तरफ आपके पास आते रहे। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस।